अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी? खैरियत से ना लो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मुर्गी की भी आवाज है, उसकी पहले सुन लेते हैं। तुम्हारा भी फैशन करते हैं सब। पहले अपना अपना तो चुपका लें। चलो खाए। कितनी मुश्किल आती है एक शूट के लिए। अरे बहन, क्या सोच रही हो? यार ईद आने वाली है, ना ही कोई स्किन केयर ना ही कोई फैशन। स्किन इतनी रफ हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सैलून जो है मैं ट्राई कर देखूं, जहां पर मेरे जो है स्किन पे ग्लो आ सके, रफनेस खत्म हो सके। आखिर करूं तो क्या करूं मैं? अरे तो परेशान होने की क्या जरूरत है और सैलून जाने की क्या जरूरत है? तुम ये ट्राई करो ना, B&B राइस ब्राइटनिंग ग्लो की, वो भी ऑर्गेनिक। तो फिर वाकई मुझे सैलून जाने की क्या जरूरत है, इसी को ट्राई करके देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, इट्स मी मरियम। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ B&B प्रोडक्ट का रिव्यू, जो मैं अपने फेस पर कर दिखाऊंगी, क्योंकि ना ही मैंने कोई फेशियल लिया हुआ है, ना ही मैंने स्किन रूटीन में कुछ शामिल किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके फेस वॉश की पैकेजिंग की। बात करते हैं, बहुत जबरदस्त है, प्लास्टिक का इनका कैप है। अप्लाई करने के साथ साथ इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो राइस के जितने बेनिफिट्स हो उतने कम है, क्योंकि कोरियंस के हर प्रोडक्ट में जो है आप लोग को राइस मिलेगा। कोरियन ग्लासेस किसको नहीं पसंद, हर कोई चाहता है कि हमारी जो है स्किन ग्लो करे। तो इसका फेस वॉश आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा, ब्राइट करेगा और आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा। इसका फॉर्मूला काफी क्रीमी है, तो आपने अपनी फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर मसाज करना है। और इसकी फ्रेग्रेंस चेक करने से पता चल जाता है कि प्योर ऑर्गेनिक है। तो अब बात आ जाती है ये कैसी स्किन के लिए सूटेबल है। तो मैं यहाँ आपको बता चलूँ, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये बेस्ट ही बेस्ट है, बट जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए मैं ये नहीं कहती कि बेस्ट नहीं है। मैं ये जरूर कहूँगी, जब भी आप इसका फेस वॉश अपने फेस पे अप्लाई करें, उसके बाद अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें, क्योंकि ड्राई स्किन को ये मज़ीद ड्राई कर देता है, टाइट होती है, तो हमारे इस फेस पे स्क्रैच आते हैं, इसलिए अपने फेस को मॉइस्चराइज करना जरूरी है। ये बात है। यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स मसाज करने के बाद मैंने अपने फेस को वॉश करा, तो मैं खुद हैरान हो गई कि मेरे स्किन पर इतना ग्लो आ गया था और फेस जो है बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन भी हो गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं अब इसके राइस स्कर्ब की, जो है इसका सेकेंड स्टेप। तो जी, इसको भी फेस पर अप्लाई कर देख लेते हैं कि ये कैसा है और इसके रिजल्ट क्या है, क्योंकि मेरी स्किन है काफी सेंसिटिव। जब मैंने अपने फेस पर अप्लाई करा तो मुझे वाकई फील हुआ कि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोई और लुमिनस दिखती है। देन इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगेन मैं आप लोग को बताते चलूँ की आप लोगों ने फिंगर से ही अपने फेस पर मसाज करना है। ये पिगमेंटेशन और एक्ने के लिए बेस्ट है, कमाल के रिजल्ट है इसके, जो मैं अभी आप लोग को दिखाने वाली हूँ। 5 मिनट मसाज के बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे और वॉश करके आप लोग के सामने है ये रिजल्ट। देख सकते हैं आप लोग, इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करा है और कितना ग्लो प्रोवाइड करा है। आ जाती हूँ मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट पर, ब्राइटनिंग राइस पाउडर फेस मास्क। इसके अंदर आप लोग को विटामिन सी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, प्योर ऑर्गेनिक राइस पाउडर है जो मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। लुक एट दिस। के मास्क को हम एक बाउल में निकाल लेंगे, चाहे तो आप लोग इसे मिल्क में भी बना सकते हैं, पानी में भी ऐड करके बना सकते हैं, या रोज वाटर में भी ऐड करके बना सकते हैं। अब बारी आ जाती है इसको फेस पे अप्लाई करने की। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही जबरदस्त आप लोग को टिप बताती चलूँ। अगर आप लोग अपने फेस को लिफ्टेड रखना चाहते हैं तो हमेशा मास्क को जो है ब्रश के साथ ऐसे अपवर्ड तरफ जो है मास्क को लगाया करें, कभी भी यूं करके नहीं लगाया। ओके, कंप्लीट मैंने अपने फेस को मास्क से कवर कर लिया है। अब जो है हमें वेट करना है, 15 मिनट बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। गाइस, जब मैंने अपने फेस को वॉश करा तो आई कांट बिलीव दिस कि ये मेरा ही फेस है। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने अपने फेस पर हाई एंड हाइड्रा फेशियल लिया है कोई। तो ये मास्क तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। सो गाइस, रिजल्ट आप लोग के सामने है। अभी मैंने आप लोग के सामने ये प्रोडक्ट यूज़ करा और इसके बाद मैं स्किन पर ग्लो चेक कर सकते हैं आप लोग। मैंने कोई फिल्टर इस टाइप पर नहीं लगाया हुआ, ना कोई एक्स्ट्रा लाइट है, सिर्फ सनलाइट है जिसमें मैंने जो अपनी वीडियो बनाई है, ये देख सकते हैं आप लोग मेरे फेस का ग्लो ऐसा लग रहा है।
अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक बात बताते चलूँ जाते जाते कि जब आप लोग ये कहीं से भी ऑर्डर करें किसी पेज से, तो याद रखिएगा ये अक्सर जो है फेक भी आ जाती है, लोकल आ जाती है। इसकी ओरिजिनल पहचान ये है कि सबसे पहले तो आपको ये इस तरह के ब्लैक शॉपर में मिलेगी, ठीक है, इसका ये वाला शॉपर होगा। और जो इसके कैप है गाइस वो लाइट ब्राउन कलर की होंगे, ये आप लोग देख लें गौर से, ठीक है, इस तरह की इसकी पहचान है। अब अक्सर व्यूअर्स कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमें कैसे पता चलेगा वो लाइट ब्राउन, तो बन सकता है लोकल में भी, तो यस बन सकता है, बट प्रोडक्ट पर तो बात आ जाती है कि जब आप अपनी स्किन पर जो है प्रोडक्ट को अप्लाई करें तो आप लोग को वैसे ही पता चल जाएगा कि ये लोकल है या ओरिजिनल है। सो कैसी लगी आप लोग को आज की वीडियो कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सो गाइस यूज़ करने के बाद ये प्रोडक्ट मेरा खुद का फेवरेट हो गया और मेरी तरफ से आप लोग को हाईली हाईली रिकमेंडेड है टू ट्राई दिस आउट। और इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।